और मैं सबसे लास्ट बंदा हूँ जो शो पे ऑन बोर्ड हुआ है। कैरेक्टर लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, तो कोई रीजन ही नहीं था कि यार मना करो। आजकल जो टीवी में चल रहा है उसके हिसाब से एक अलग। मैं तो हर दिन मोस्टली स्ट्रगल करती हूँ अब इसको क्या किस तरह से बनाऊँ, या स्पेशली जब बहुत सारी बातें बोलनी है तो एग्जैक्टली परफेक्ट आएगा। व्हाट मेड यू से यस फॉर दिस रोल? आई थिंक व्हेन आई सॉ द टीजर ऑफ द शो इट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग एंड द एंटायर थीम ऑफ द शो यू नो व्हिच वाज रिलेटेड टू पंजाब एंड एवरीथिंग वाज वेरी टचिंग। सो आई थिंक दैट इज व्हाट gave me the first instinct of me wanting to do the show in the first place. Of course, I auditioned for it and then I got the part. But the basic reason was the underlining theme of the show, which I could relate to. She said वो टीजर ही इतना इंटरेस्टिंग था। उसे पहली बार देख के मुझे लगा कि यार ये शो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और लकीली मुझे आई गॉट द कॉल फॉर दिस रोल। और मैं सबसे लास्ट बंदा हूँ जो शो पे ऑन बोर्ड हुआ है, और सब कुछ बहुत फास्ट फास्ट हो गया। कैरेक्टर लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत सोलफुल शो है। सो कोई रीज़न ही नहीं था कि यार मना करो। आजकल जो टीवी में चल रहा है उसके हिसाब से एक अलग किरदार आपको निभाने का मौका मिले, I'm sure कि कोई भी एक्टर मना नहीं करता इस कैरेक्टर के लिए। तो कोई विशेष तैयारी करनी पड़ी आप लोगों को इस रोल के लिए? एज सच कुछ विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ी। मैं पंजाबी हूँ, सो मुझे थोड़ा बहुत वो जो पंजाबी एक्सेंट चाहिए उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। एकदम प्रॉपर वैसे नहीं जा रहे, बट स्टिल आई थिंक इंटरनल वर्क ज़्यादा होता है कैरेक्टर के लिए, को समझने के लिए। और हर एक्टर का अपना एक अलग प्रोसेस होता है प्रिपेयर करने के लिए कैरेक्टर के लिए। सो मेरे लिए वो जो इनिशियल डेज होते हैं वो बहुत अपने में थॉट प्रोसेस में चलता रहता है कि यार जब तक आप उस कैरेक्टर की स्किन में ना उतर जाओ और उसके तरीके से ना सोचने लगो, तो वो इंटरनल बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो आप किसी को समझा नहीं सकते। बट वो इनिशियली 7-8 दिन आपके शूट के जो होते हैं, इतने शोज करने के बाद भी कोई भी नया शो करता हूँ तो बहुत ज़्यादा नर्वस होता हूँ इनिशियली। तो वो जब तक 6-7 दिन में जब तक वो लेयर पकड़ नहीं लेते कैरेक्टर को पूरी तरीके से, तो तब तक तो ये प्रॉब्लम होती है। डिस्कवरिंग अ कैरेक्टर इज अ प्रोसेस। मैं तो हर दिन मोस्टली स्ट्रगल करती हूँ कि अब इसको क्या किस तरह से बनाऊँ या कैसे इसको मोड़ दूँ, एंड ये मेरा कभी खत्म ही नहीं होता। इट इज टिल द एंड ऑफ द शो, दैट इज द थिंग, दैट इज द प्रोसेस। हाँ, कि जो अमृता है शी इज न्यूयॉर्क में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, तो ऑब्वियसली वो एक्सेंट लाना था, तो दैट वॉज समथिंग विच वॉज ट्रिकी बिकॉज हिंदी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए और बीच में इंग्लिश के वर्ड्स है उसमें यू नो वो एक सेंटेंस में यू नो स्पेशली जब बहुत सारी बातें बोलनी है तो एग्जैक्टली परफेक्ट आए सब कुछ, तो दैट वॉज द ट्रिकी पार्ट, बट लकीली हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने जो भी किरदार निभाए हैं उससे कितना अलग है ये? मेरा तो फर्स्ट जो था वो ग्रे शेडेड नेगेटिव, आउट एंड आउट नेगेटिव तो नहीं बट ग्रे शेडेड था, बहुत सारे लेयर्स थे, बट वो अलग ही पर्सनालिटी थी। बट दिस इज वे डिफरेंट बिकॉज इवन जो पहला था वो थोड़ी झल्ली जैसी लड़की सी थी, बट दिस इज अ बिट मैच्योर कैरेक्टर एंड समझती है, समझदार है, डिटरमिन है, इमोशन समझती है, ऑब्वियसली अलग तो है। मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए तो मैं इससे पहले ब्रेक भी लिया था, मैं 5-6 महीने से कुछ नहीं कर रहा था बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग मीनिंगफुल, कि कुछ तो अलग हो, सेम चीज़ नहीं करनी है। एज आई सेड कि बहुत सारे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में, सिर्फ ये नहीं है कि क्यूट लुकिंग लड़का है और उसको राता रहता है, हंस रहा है, फन लविंग है, सिर्फ वो नहीं है। तो उसका एक मैच्योर साइड है, उसने अपनी बहुत कम एज में अपने पेरेंट्स को खो दिया था, तो दूसरों के दर्द से रिलेट करता है इजीली, बट एट द सेम टाइम कि बहुत ज़्यादा खुश रहता है, यू कैन फाइट टू, अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपने दादाजी पे, अगर फैमिली पे बात आ जाए तो वो लड़ने के लिए भी तैयार है। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढता है, तो बहुत सारे लेयर्स हैं। और शायद प्यार भी हो जाएगा तो रोमांस भी है, सब कुछ है करने के लिए। और अधिकतर एक कैरेक्टर में एक स्पेशल चीज़ होती है कि यार ये ऐसा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत एम्पैथी भी है, लोगों के दर्द से रिलेट करता है, तो बहुत कुछ है करने के लिए। व्हाट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट योर को-स्टार? एक्चुअली द थिंग इज कि हमारे इतने सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन अरे तुम आओ तुम्हें जानती हूँ, यही यही सोच के मैंने सोचा कि ऐसे क्यों बोल रही है। मुझे याद है कि इन्होंने बहुत
के साथ मॉक शूट किए थे और मैंने बोला कि मैं सबसे लास्ट में आऊँ शो में, और हमारा मॉक शूट भी नहीं हुआ। तो जो लड़का कर रहा है शो उसने मॉक शूट नहीं किया तुम्हारे साथ। तो जब इसने मुझे देखा रीडिंग के टाइम पे हम पहुंचे और मैं जाके बैठा, तो उसने बोला तुम हो, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये तुम हो के पीछे क्या है, कि अच्छी बात है बुरी बात है। बोले ऐसे अच्छी बात तो अच्छी बात ही थी। और मुझे तो पता ही था यही है, बिकॉज हमारे बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, कहीं ना कहीं आप जानते ही हो एक दूसरे को, म्यूचुअली पता होता है एक दूसरे के बारे में कि बंदा कैसा है। और जब आप शो करने वाले होते हो तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आप पूछ ही लेते, अच्छा तूने काम किया तो कैसा है। जब मैं मिला तो भी लगा कि शी स्वीट, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसे बॉन्डिंग होने में, ऐसे आइस ब्रेक में नहीं लगा ना। हाँ नहीं लगा, अच्छी बात है। Now, this is a big thing. If we talk about OTT space, would you see you on that soon at also? What are your limitations in regards to content and bolts? OTT, obviously, would love to do OTT. Or OTT, mein, I think, har tarah ke contents ban raha hai. Jo pehle ye tha ki, you know, you have to, I mean, kin show bahut hai ya jo bhi, but aisa kuch bhi nahi hai. Ab to bahut achhe aur, you know, solid contents ban raha hai. So, I would love to be a part of it. Definitely, aapko ek back script milti hai. एक बहुत छोटे पीरियड में एक कैरेक्टर को बहुत डीपली समझ के निभाने का मौका मिलता है, तो एज एन एक्टर आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऑब्वियसली आई वुड लव टू डू बोल्ड सीन, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म आल्सो, बट आई थिंक आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल इन दैट। इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट या कैरेक्टर की बैक स्टोरी, बट आई हैव ऑलवेज सेड दैट आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ अ फैमिली शो और अ कॉमेडी शो और अ थ्रिलर, रादर देन यू नो जस्ट अ शो व्हिच इज इन्वॉल्विंग बोल्ड। Does screen space and screen timing matter to you? Of course it does, because you want to see yourself, like more of yourself on the television or whichever platform you're working on. So yeah, it does matter. Of course, कौन एक्टर कहेगा कि यार नहीं फर्क पड़ता, पूरे एपिसोड में अगर एक मिनट भी दिखूंगा तो चलेगा मुझे, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप दिखोगे नहीं, ऑडियंस आपसे कनेक्ट कैसे करेगी? अगर आप एपिसोड में आपका जितना मतलब एक स्पेस आपका होना चाहिए जहाँ पे रजिस्टर हो रहे हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक एपिसोड में आ रहे हो और फिर अगले एपिसोड में नहीं हो, दो एपिसोड बाद आ रहे हो, तो ऑफकोर्स कोई भी एक्टर कंफर्टेबल नहीं होगा। व्हाट इज दैट वन रोल दैट वुड टेस्ट योर लिमिट बट यू वुड स्टिल ट्राई? ऐसे कुछ लिमिट वाला नहीं, बट मुझे बहुत ही चैलेंजिंग रोल लगा था रणबीर कपूर का, जो उन्होंने रॉकस्टार में प्ले किया था। आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट। मैं खुद अपनी रेंज देखना चाहता हूँ कि क्या है, क्योंकि वो बहुत डीप कैरेक्टर था और उसको सोचने के लिए बंदे को बहुत कुछ अलग टेंजेंट पे जाना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा कि क्या करें। आई वुड लव टू प्ले डबल रोल्स इन वन शो, जिसमें मैं दो अलग किरदार निभा रही हूँ एट द सेम टाइम। Lastly, parting words for the fan. Keep watching Dildiya Galla, सोमवार से शनिवार शाम 7:30 PM only on Sony Sub, and keep showering your love and keep connecting with us. Ditto. Thank you. Love you. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.